गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज है 22 जनवरी एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट टू गिव एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज क्या है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कितने खुशी की बात है ये आप सब जानते हैं, हम सब जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। और जो आज हो रहा है वो शायद कभी ना भूलने वाला अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भी उनके बाल रूप में, वो एक दिल को मतलब छू जाने वाली बात है हर किसी के लिए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इसी शुभ दिन के साथ, और आपको आज के दिन की, इस महीने की, इस तारीख की और पहली दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमने अपना दिन शुरू कर लिया है, हम हमारे टाउनशिप में जो मंदिर है, हालांकि हम वहां तो नहीं अभी पहुंच पाए लेकिन हम बहुत जल्दी वहां जाएंगे, पर हमारे टाउनशिप में जो मंदिर है हम वहां पे भी बहुत सारा कुछ आज करने वाले हैं अपने प्रभु श्री राम को, जिनको हम हमेशा ही याद करते हैं, आज और स्पेशल तरीके से याद करने वाले हैं, प्रसाद बनाने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, दिवाली मनाने वाले हैं। और आई होप आप सब भी यही कर रहे होंगे। और तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। अभी मैंने लंच में मैंने आज सुबह अपने लिए पराठे बना लिए थे और आलू मटर, लेकिन मुझे उससे मेरा पेट नहीं भरा, तो अभी तो चावल दाल या ऐसा कुछ बनाने का कोई सीन नहीं है, तो मैं बना रही हूँ मैगी और वो हम खा लेंगे। खाने के बाद फिर मंदिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ डेकोरेशन का काम चल रहा है, वो थोड़ा देखेंगे, फिर आएंगे, घर में भी पूजा करेंगे, फिर वहाँ पे भी प्रसाद वगैरह बना करके। तैयार हो गया है भाई, नया नया कपड़ा पहन के कौन तैयार हो गया है, कौन तैयार हो गया पूजा करने के लिए। इन्होंने नया सीखा है, कैसे पाउड बनाना सीखा है, पाउड बनाना। ये मैगी बन के तैयार हो गई है, साथ में मैं कपड़े भी धुल रही हूँ, आप देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा मैंने धुल के रखा हुआ है और मशीन भी लगा रखी है कपड़ों के। भाई बच्चे के साथ इतने कपड़े हो जा रहे हैं, और ये जो मेरे आपको बिखरे बिखरी जुल्फे दिख रही होंगी, मतलब बिखरे बिखरे बाल, ये इसलिए क्योंकि मैंने आज बाल धुला है और ये अभी सूखे नहीं है। मैं ड्रायर लगा के सुखा सकती हूँ, पर मुझे भूख इतनी लगी है कि मैं पहले कुछ खा लूंगी उसके बाद बाल सुखाऊंगी। तो भाई पूजा पाठ कर लिया हम लोगों ने, अब मैं प्रसाद आती हूँ, हो गया पूजा ना, प्रसाद लेके आ गई। आप जा कहाँ, मंदिर? अच्छा आ रही आ रही आ रही, हाँ आती हूँ आ रही, आप आओगे फिर अभी कब तक? मंदिर में सामने वैसे भी आरती हो रही है, प्रेम तुल्यदाता गणेश मा कल हमने रात में फिर
फिर आरती वगैरह करके पूजा ख़त्म की, प्रसाद वगैरह लेके घर आए, पर वो इतना लेट हो गया था कि मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरा फ़ोन उसी टाइम पे स्विच ऑफ हो गया। उसी ब्लॉग को आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज का दिन शुरू हो गया, धूप अच्छी है। आज के दिन बहुत सारा काम मैंने किया, कपड़े वपड़े जितने थे सारे सुखाए, फिर धुले हुए बाहर डाले। मैं अभी थोड़ा सा बैठ के पढ़ रही हूँ अपनी फेवरेट बुक, जो कि आपको पता है मैं पढ़ती रहती हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। और मैं थोड़ा देर, और जैसा कि आपने पीछे देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे डराने की कोशिश की, पर मैं डरी नहीं। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओ बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।